गाइस समझ गए होंगे थंबनेल में देख के हम किस टाइप से आज एडिटिंग करने वाले हैं इस वीडियो में। गाइस आपको कुछ नहीं करना, लास्ट तक वीडियो हमारा देखना। कुछ इस तरह से एडिटिंग करने वाले स्क्रीन पे आप देख सकते हो, बहुत ही कम टाइम में कुछ इस तरह से एडिटिंग करेंगे अपना फोटो, बहुत ही कम टाइम में कुछ इस तरह से एडिट करेंगे अपना फेस, इस तरह से हाई क्वालिटी HD में स्मूथ करेंगे। ठीक है ना गाइस, कुछ नहीं करना आपको, वीडियो देखना लास्ट तक। ठीक है ना, आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से अपने फोटो को स्मूथ किया। ठीक है ना गाइस, स्क्रीन पे देख सकते हो अपने मैंने फोटो कितना अच्छे से बैकग्राउंड एडिट किया। ठीक है ना, आपको इसी तरह से वीडियो में एडिट करना, कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही कम टाइम में कुछ इस तरह से एडिटिंग सिखा देंगे गाइस। और हमारे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं एडिटिंग के रिलेटेड वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे गाइस। ठीक है ना, हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन और प्रेस कर देना ताकि मैं एडिटिंग के रिलेटेड वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे गाइस। चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ओके गाइस, देख सकते हो हमारा ओरिजिनल फोटो किस टाइप से हमने एडिट किया और आपको भी एडिटिंग इस वीडियो में बहुत ही कम टाइम में कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग करेंगे। सिंपली हमारा ओरिजिनल फोटो पे चलना, ये वाला फोटो हमारा ओरिजिनल है, इस वाले फोटो को सिंपली स्नैपशीट में शेयर कर देना। ठीक है, स्नैपशीट एप्लीकेशन में। तो ओके गाइस, हमारा फोटो जो स्नैपशीट में शेयर हो चुका है, इस तरह से इंटरफेस आएगा। ठीक है ना, इतना होने बाद इस वाला आइकन में सिंपली कट करना और इस वाला आइकन पे आना। आपको मैं दिखा देता हूँ, एक आइकन दिखा देता हूँ। ठीक है ना गाइस, इसी वाला आइकन पे सिंपली क्लिक कर देना। ठीक है ना, इसी वाला आइकन पे क्लिक करते में इसी तरह से हमारा फोटो व्हाइट हो जाएगा। देख सकते हो स्क्रीन पे कितना अच्छे से व्हाइट हो गया। ठीक है ना, इतना होने के बाद ब्राइटनेस इस तरह से इंक्रीज करके फिर डन पे क्लिक कर देना। ठीक है ना, इतना देख सकते हो हमारा फोटो में कितना ज़्यादा क्वालिटी आ चुका है। ठीक है ना, बिफोर एंड आफ्टर गाइस, आपको आर्टिस्ट भी बताता किस तरह से एडिटिंग से आपको बहुत ही कम टाइम में कुछ बहुत ही कम टाइम में अपना जो मैं फोटो एडिट कर रहा है मोबाइल से एडिट कर रहा हूँ। ठीक है ना, जो आर्टिस्ट भी बताते वो आपको एडिटिंग बताते गाइस, कैमरे से अपना फोटो क्लिक करके DSLR से गाइस आपको पूरा राज खोल देंगे आज के वीडियो में किस तरह से मैं एडिटिंग करता हूँ। ठीक है ना, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, आपको इसी तरह से बहुत ही कम टाइम में एडिटिंग सिखाएंगे। ठीक है ना गाइस, कुछ नहीं करना आपको, लास्ट तक वीडियो देखना। ठीक है, इतना नंबर डन पे क्लिक कर देना, फिर से डन कर देना। ठीक है ना, देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे कितना फोटो ज़्यादा कितना ज़्यादा व्हाइट हो चुका है। ठीक है ना, इतना होने बाद इस वाला आइकन में सिंपली क्लिक करना और सिलेक्ट पे क्लिक करके इस तरह से हमारा ज़्यादा फेस ब्लैक है ना वहाँ व्हाइट कर देना है। कितना ज़्यादा ब्लैक हो तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप किस तरह से कितना ब्लैक हो किस तरह से रिमूव कर सकते हो। ठीक है ना, और बहुत ही कम टाइम में आज मोबाइल से आप फोटो एडिटिंग करते हो और आर्टिस्ट पे होता है वो DSLR से अपना फोटो एडिटिंग करता है। ठीक है ना, हम लोग जो देखते हैं उनकी वीडियो गाइस, हम देखते हैं गाइस हमारा मोबाइल से। ठीक है ना, मोबाइल से हम फोटो एडिटिंग करते हैं और वो करता है DSLR से क्लिक करके। DSLR का फोटो कितने भी ज़्यादा ब्लैक रहता है और वाइट हो जाता है। ठीक है ना, हम जो कर रहे हैं मोबाइल, हमारा मोबाइल से क्लिक किया हुआ फोटो और मोबाइल से हम एडिट करते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमको मोबाइल वाली वीडियो देखनी चाहिए गाइस। मैं अपने मोबाइल से क्लिक करता हूँ, अपने मोबाइल से फोटो एडिटिंग करता हूँ। ठीक है ना, वो कुछ नहीं करना, लास्ट तक वीडियो देखना और आप भी इस तरह से एडिटिंग करना सीख जाओगे बहुत ही कम टाइम में। ठीक है ना, बिफोर हमारा फोटो देख सकते हो, आपको बताऊँगा बहुत ज़्यादा ब्लैक रहेगा वो किस तरह से वाइट करते हो इस वीडियो में। चलो बिना इस वाले फोटो को सिंपली शेयर कर लेना गाइस, कुछ नहीं करना, इस वाले फोटो को सिंपली ऑटो टेक्स्ट के अंदर शेयर कर देना है। तो ओके मेरे प्यारा दोस्तों, मैंने जो अपना फोटो स्केचबुक में शेयर कर लिया। ठीक है ना, ऑटो टेक्स्ट में। ठीक है ना, इतना बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। देख सकते हो हमारा फेस पे कहाँ कहाँ ब्लैक है, अच्छे से गौर करना। आर्टिस्ट भाई किससे आपको बेवकूफ़ बनाता वो भी आपको मैं इस वीडियो में सिखा दूंगा। ठीक है ना गाइस, ये देख सकते हो मेरे अच्छे से मेरी वीडियो पे ध्यान करना, वो किस तरह से अपना फोटो एडिटिंग सिखाता है। ठीक है ना गाइस, देख सकते हो मोबाइल से हम फोटो एडिटिंग करते हो, वो लोग जो कैमरा से करते हैं DSLR से। ठीक है ना, हमारे पास कोई DSLR नहीं है गाइस। ठीक है ना, इसलिए आपको बता दो मोबाइल से फोटो किस तरह से एडिट करना सीखना है। ठीक है ना गाइस, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट तक वीडियो देखना। अभी मैं पूरा राज खोल दूंगा फेस स्मूथ का। ठीक है ना, कोई बहुत कम टाइम में कुछ नहीं करना गाइस, और मैं जो ब्रश बताऊंगा वही आपको ब्रश से सेटिंग करना। सबसे पहले इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, सिंपली इसी वाले ब्रश को ले लेना है और देख सकते हो। ठीक है ना, और इसका सेटिंग देख लेना। ठीक है ना, सेटिंग नहीं समझ में आए तो स्क्रीनशॉट मार लेना। ठीक है ना, और इस तरह से और हमारे इस वाले आइकन पे सिंपली क्लिक करना और डुप्लीकेट लेयर बना लेना। ठीक है ना, इतना बाद इस तरह से हमारा लिप अप्लाई करना अपने होट पे। ठीक है ना, इस तरह से देख सकते हो, इस तरह से अप्लाई करना अच्छे से देख सकते हो। मैं जिस तरह से स्क्रीन पे कर रहा हूं गाइस, इसी तरह से आपको लिपस्टिक अप्लाई करना ताकि आप बहुत ही कम टाइम में सीख जाओ। ठीक है ना, आपको मैं कोई भी राज नहीं है, स्मूथ करने का बहुत ही आसान तरीके से फेस अपना स्मूथ हो जाता है गाइस। यूट्यूबर अच्छे से आपको सिखाते नहीं। ठीक है ना, आर्टिस्ट भाई किस तरह सिखाता है, वो कैमरा से क्लिक करता है गाइस। हम लोग जो फोन से फोटो एडिटिंग करते हैं और उनको देखते हैं गाइस, हमारा फोटो नहीं एडिट हो पाता। ठीक है ना, इसलिए आपको कुछ नहीं करना, जो लोग फोन से बनाते वीडियो उनको ही देखना चाहिए और किस तरह से एडिट होता है वो भी आप सीख जाओगे। ठीक है, इतना बाद इस वाला आइकन सिंपली कनेक्ट करना और लेयर पे क्लिक करना, इस वाले आइकन पे क्लिक करना, एक आइकन दिख रहा होगा आपको सॉफ्ट लाइट। ठीक है ना, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ सॉफ्ट लाइट, इस सॉफ्ट लाइट पर सिंपली क्लिक कर देना और लिपस्टिक इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, इतना होने बाद फिर से लेयर पे क्लिक करना और इस वाले आइकन पे सिंपली क्लिक करना और इस वाला आइकन पे क्लिक करके इस तरह से देख दो हमारा लिपस्टिक चेंज कर लेता है। ठीक है, गुलाब पिंक रख देते, पिंक रखने बाद फिर से डन पे क्लिक कर देते। ठीक है ना, इतना होने बाद आपको दिखाता हूँ फेस स्मूथ सीखना गाइस। आपको कुछ नहीं सीखना, बैकग्राउंड भी एडिट कर लेते हो पर फेस स्मूथ नहीं हो पाता आपसे। ठीक है ना, आपको फेस स्मूथ करना मैं सिखा देता हूँ। ठीक है ना, बहुत कम टाइम में सिंपली इस वाला आइकन पे क्लिक करना और इस वाला आइकन पे सिंपली आना और सिंपली देखते हो मैं जो ब्रश दिखाऊंगा आपको वही ब्रश सेलेक्ट करना। ठीक है ना गाइस, सिंपली हम कौन सा ब्रश लेते हैं गाइस, ये ब्रश ले लेते हैं। ठीक है ना, इस ब्रश का आपको सेटिंग देख लेना और इसका सेटिंग इस तरह से कुछ रखते हैं और माइनस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस बहुत ज़्यादा रखना, 3 रख लेते हैं। ठीक है, जब भी हमारा फेस हाई क्वालिटी HD में स्मूथ होगा। अब बताता हूँ गाइस फेस कैसे स्मूथ करना, देख सकते हो स्क्रीन पे आपको आर्टिस्ट भाई कैसे सिखाता हूँ और मैं कैसे सिखाता हूँ। ठीक है ना, वो अच्छे से आपको सिखाता है, उनका फोटो जो DSLR से क्लिक किया होता है, हमारा जो फोटो है फोन से क्लिक किया होता है। ठीक है ना, इस वाला आइकन पे आ जाते हैं
अब देख सकते हो मैं किस तरह से स्मूथ कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरा फेस कितना हाई क्वालिटी HD में स्मूथ हो रहा है, ठीक है ना गाइस। आपको इसी तरह से अपना फेस स्मूथ करना सीखना, कुछ नहीं करना, लास्ट तक हमारी वीडियो देखना गाइस। इसी तरह से फेस स्मूथ होता है, ठीक है ना गाइस। आपको बहुत यूट्यूबर रहते वो कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं, आपको क्या समझ में आएगा, ठीक है ना गाइस। इसी तरह से फेस स्मूथ करना, देख सकते हो मैंने खुद अपना फेस कितना अच्छे से हाई क्वालिटी HD में स्मूथ हो रहा। और जब ब्लैक आएगा वहाँ मैं अच्छे से सिखाऊंगा आपको आप ब्लैक कैसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। बहुत यूट्यूबर रहते वो ब्लैक आपको नहीं सिखाते और आपको अच्छे से एडिटिंग नहीं सिखाते, ठीक है ना। आप किस तरह से ब्रश यूज़ करते हो वो भी सिखा दूंगा गाइस, ठीक है ना। इसी तरह से, ठीक है ना, आपको मैं पहले अपना पूरा फेस स्मूथ करके दिखा देता हूँ गाइस। आपको वीडियो स्किप नहीं कर लेना है, वीडियो स्लो स्लो इस तरह से, ठीक है ना। आपको मैं तेज भी कर सकता पर तेज नहीं किया, ठीक है ना। आपको सिखाना है फेस स्मूथ इसलिए, ठीक है ना। आप वीडियो को ओनली देखना आपको, ठीक है ना। आप वीडियो स्किप कर दोगे फिर नहीं देख सीख पाओगे मेरा जैसा फेस हाई क्वालिटी HD में स्मूथ करना, ठीक है ना। आप समझोगे चलो स्किप कर लेते हो और इसको फिर से आगे से देखते हैं, इस तरह से नहीं सीख पाओगे गाइस। मैं हर वीडियो में आप एक प्रोसेस सीखते हो, ठीक है ना गाइस। आप देख सकते हो गाइस आपको मेन पॉइंट आ गया इतना ज़्यादा ब्लैक है, आप किस तरह से इस पार्ट को स्मूथ करेंगे, ठीक है ना गाइस। आपको यही कमेंट है कि इस पार्ट को किस तरह से स्मूथ करेंगे गाइस। आपका माइंड होगा आप किस तरह से ब्रश यूज़ करते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ, ठीक है ना। आप इसी तरह से ब्रश यूज़ करते हो, देखते हो मैं करके बताता हूँ, ठीक है ना। और आप लोग क्या करते हो इस ब्रश के साइज पे क्लिक करते हो और इस ब्रश के साइज को ज़्यादा रख लेते हो, ठीक है ना। इस तरह से कुछ रख लेते हो, आपको यूट्यूब बता दे कुछ इस तरह से रख के आप इस तरह से कर देते हो, ठीक है ना गाइस। ये इस तरह से कर देते हो, ठीक है ना, इस तरह से कर देते हो, फिर कहते हैं गाइस हमारा नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर आप बैक चल के अपने फोटो फिर से इसमें शेयर कर देते हो, ठीक है ना। आपको कुछ यूट्यूबर इस तरह से बताते हैं, ठीक है ना। आपको इस तरह से नहीं करना गाइस, आपको मैं ब्रश यूज़ करना बताता हूँ, ठीक है ना। सिंपली कट कर लेता हूँ, मैं कट कर लिया, ठीक है ना। इतना होने बाद इस वाला आइकन पर सिंपली क्लिक करना है, इस वाला आइकन पर क्लिक करके इस वाले ब्रश पर आना है और इस ब्रश का सेटिंग देख लेना, मैं ज़्यादा इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसका इस तरह से सेटिंग इंक्रीज कर लेना, देख सकते हो इस तरह से सेटिंग इंक्रीज कर लेना है और इस तरह से इंक्रीज करके और इसका इस तरह से माइनस कर लेना गाइस। और इस तरह से देख सकते हो मैं स्क्रीन पर किस तरह से अपना फेस वाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह से वाइट कर लेना बहुत ही कम टाइम में, देख सकते हो मैं किस तरह से अपना फेस वाइट हो रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस। और आप किस तरह से वाइट करते हो ये भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। आप इस तरह से गाइस जगह देख सकते हो मेरा फेस किस तरह से वाइट हो रहा है, ठीक है ना। इसी ब्रश से मैं ज़्यादातर अपना फेस स्मूथ करता हूँ गाइस, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, वीडियो देखना और वीडियो देखने से आप फेस स्मूथ करना बहुत ही कम टाइम में सीख जाओगे, देख सकते हो गाइस स्क्रीन पे। इसी तरह से अपना ब्रश यूज़ करना, ठीक है ना। देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्लैक और वाइट भी हो चुका है। इतना होने बाद फिर इस वाला आइकन पर आना है, इस वाला आइकन पर सिंपली वाला ब्रश लेना, ये वाला ब्रश लेना है, उसका सेटिंग फिर से माइनस कर लेना, ठीक है ना। सेटिंग बहुत कम रखना तभी फेस स्मूथ करना सीख पाओगे बहुत ही कम टाइम में, ठीक है ना। इस तरह से फिर फेस स्मूथ करना, देख सकते हो गाइस स्क्रीन पे। आप देख सकते हो मैं किस तरह से अपना फेस स्मूथ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से फेस स्मूथ करना गाइस, इस तरह से देख सकते हो मैं किस तरह से अपना फेस हाई क्वालिटी HD में स्मूथ कर रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, लास्ट तक वीडियो देखना और आप इस तरह से फेस स्मूथ करना सीख जाओगे। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हो और इसी तरह से स्मूथ करना स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह से हाई क्वालिटी HD में अपना फेस स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना गाइस, ठीक है ना। इसी तरह से स्मूथ कर लेना बहुत ही कम टाइम में, देख सकते हो मेरा फेस कितना अच्छे से स्मूथ हो गया गाइस। और आपका मेन पॉइंट और है गाइस, ये इतना ज़्यादा ब्लैक है तो आप किस तरह से यहाँ पे स्मूथ करते हैं ये भी आपको दिखा देना गाइस। आपको वीडियो नहीं बताना, वीडियो लंबी होगा पर स्मूथिंग में आपको पूरा इस वीडियो में सिखा दूंगा, ठीक है ना। देख लेना इस तरह से ब्लैक है गाइस और आप किस तरह से स्मूथ करता है वो बता दूंगा गाइस। आप ब्रश को इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है ना गाइस। इसी तरह से यूज़ करते हैं गाइस, स्टेप बाय स्टेप बताना आप इसी तरह से यूज़ करते नहीं करते, ठीक है ना। आप फिर बोलते गाइस हमारा फोटो बिगड़ चुका और ऐसे कट करके फिर से गैलरी में चले जाते, फिर सोचते हैं नहीं करना फोटो एडिटिंग, ठीक है ना। आपको इस वीडियो में बताता हूं मैं किस तरह से अपना फोटो एडिटिंग करना है, ठीक है ना गाइस। इसको ये रिमूव कर लेते हैं गाइस, देखो रिमूव हो गया, ठीक है ना, रिमूव हो गया। इस तरह से ब्रश नहीं यूज़ करना है, ब्लैक हो तो कुछ नहीं करना गाइस। मैंने आपको ब्रश पहले से भी 2-3 वीडियो में बता रखा, आपको वो जाके सिंपली वीडियो देख लेना, ठीक है ना। इस ब्रश का सेटिंग भी देख लेना फिर से, ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो स्क्रीन शॉट मार लेना आपको ताकि समझ में आ जाए, ठीक है ना। इतना होने के बाद देख सकते हो इस वाले ब्रश को इस तरह से इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेना और इसी तरह से रोटेट करना, ठीक है ना गाइस। इसी तरह से नहीं करना रोटेट, ठीक है ना, आपको मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से रोटेट करना, इसी तरह व्हाइट से ले जाना ब्लैक में, ठीक है ना। व्हाइट से ले जाना ब्लैक में, ठीक है ना। इतना होगा इसी तरह से आप एडिटिंग करना बहुत ही कम टाइम में सीख जाओगे। देख सकते हो मैं व्हाइट से ले जा रहा हूँ ब्लैक में, ठीक है ना गाइस। आप तो इतना समझ गए होंगे गाइस, मैं बहुत ही कम टाइम में आपको देख सकते हो कितना अच्छे से व्हाइट हो रहा है, ठीक है ना। व्हाइट हो रहा गाइस, ये बहुत मैंने 2-3 वीडियो बनाए गए उसमें ब्रश से मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। आपने नहीं देखा देख लेना आप किस तरह से, देख सकते हो हमारा फेस किस तरह व्हाइट हो रहा है। और मेन पॉइंट ये भी गाइस, आप बोलेंगे ये भी फेस किस तरह से व्हाइट करेंगे ब्लैक है, ठीक है ना। इसी तरह से इस ब्रश को यूज़ करना है, ठीक है ना। देख सकते हो ये व्हाइट हो गया, देख सकते हो गाइस ये व्हाइट हुआ नहीं हुआ आप स्क्रीन पर लाइव बताना गाइस। वीडियो स्किप मत करना, स्किप करोगे फिर एडिटिंग करना नहीं सीख पाओगे, एडिटिंग भूल जाओगे, ठीक है ना गाइस। अब फिर से इस वाले ब्रश पर आ जाते हो, आपको मैंने बताया पूरे स्टेप बाय स्टेप। वो आर्टिस्ट भाई रहता है वो गाइस, वो अपने फोटो जो कैमरा से क्लिक करता है और गाइस आपको एडिटिंग सिखाता है ज़्यादा ब्लैक करके, ठीक है ना। वो तो कितना ब्लैक रहेगा कैमरा वाला फोटो व्हाइट हो जाएगा, पर हमारे मोबाइल से जो क्लिक किया वो फोटो व्हाइट नहीं होता, ठीक है ना। उसको व्हाइट करना सीखना पड़ता है बहुत ही कम टाइम में, ठीक है ना। इसी तरह से अपना फेस स्मूथ कर लेना गाइस, देख सकते हो मैं किसी तरह से स्मूथ कर लो गाइस। मैंने अपना पूरा फेस ताकि स्मूथ कर लिया गाइस, ठीक है ना। आप भी इस तरह से अपना हाई क्वालिटी HD में फेस स्मूथ कर लेना गाइस, ठीक है ना। देख सकते हो मैंने कितना कम टाइम में सिखा दिया। सारे गाइस जितने यूट्यूबर सारे कैमरा से क्लिक कर अपना फोटो एडिटिंग करते हैं, एक एडिटर है सारे कैमरा से अपना फोटो एडिटिंग करते हैं, ठीक है ना। हम लोग जो रहे तो मोबाइल से करते हैं, ठीक है ना। आपको मोबाइल का जो मैंने प्रोसेस बताया वो मोबाइल का फॉलो करना, आप तभी मोबाइल से अपना फोटो क्लिक करके एडिटिंग कर पाओगे। कैमरा से करोगे वो कैमरा वाले फोटो नहीं एडिट होंगे हमसे, ठीक है ना।
वो जो लोग रहते हैं कैमरा से अपना फोटो क्लिक करते हैं, हम जो मोबाइल से अपना फोटो क्लिक करते हैं फिर एडिट होगा, ठीक है ना। इस तरह से मोबाइल का फोटो हाई क्वालिटी एचडी में स्मूथ हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ज़्यादा ब्लैक है वहाँ, मेन पॉइंट गाइस यहाँ भी देख सकते हो आप, यहाँ भी जब बहुत ज़्यादा ब्लैक है आप सोचेंगे यहाँ स्मूथ नहीं होगा हमारा फेस, ठीक है ना, यहाँ से बिगड़ जाएगा। गाइस कुछ नहीं करना, मैं आपको फिर से ले चलता हूँ इसी ब्रश पे। गाइस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है ना। इधर साइज छोटा कर लेना, इधर साइज छोटा करके इसी तरह से देख सकते हो गाइस मैं किस तरह से स्मूथ कर रहा हूँ। गाइस आपको और ज़्यादा वाइट करके क्या दिखाना गाइस, आपको इसी वीडियो में मैंने सिखा दिया, ठीक है ना। कितना ज़्यादा ब्लैक था मैंने यहाँ भी वाइट कर लिया गाइस एचडी में, फुल एचडी में। गाइस वीडियो स्किप करो, वापस पीछे से देख लेना, ठीक है ना, कितना ज़्यादा यहाँ ब्लैक था और मैंने वाइट कर दिया गाइस। और क्या चाहिए आपको, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं एडिटिंग के रिलेटेड वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। गाइस मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।